नमस्कार भैया बहनी, अपना पंचे देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी शुक्रवार का कलेक्टर अनुराग वर्मा से मुलाकात कई के या मांग करी के सहारा इंडिया जिला के हजारन जमाकर्ता से तकरीबन 100 करोड़ रुपया जमा कराये जौने के वापसी सुनिश्चित करवाई जाए। वहीं पूर्व विधायक खातेदारन के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लगाए गए कैंप में सैकड़न खातेदारन के आवेदन पत्रों का जमा करवाई। ये आवेदन पत्रन में ही जमाकर्ता अपने से सहारा इंडिया में जमा की गई राशि के उल्लेख करी, साथ ही शिकायत करी है कि पिछला 3 साल से जौन लोगन के जमा राशि के मेच्योरिटी हो चुकी है उन्हों के भुगतान नहीं कीन गहबर। यहाँ तक के ऐसा कई लोग हम जिनकर बिटियन के विवाह हबे तो केहू के गंभीर बीमारी, लेकिन एहू पर रकम के भुगतान नहीं कीन जा रहा है, जबकि सहारा बैंक में ही जमा करी गई पैसा उनके खून पसीना के कमाई आए। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जितनी भी है, चिटफंड कंपनी, उनके जो पीड़ित लोग हैं उनको हमने बुलाया था, जो अपना अग्रीवान जिस भी कंपनी के अंगेंस्ट में है, तो सारा कंपनी के अंगेंस्ट में कई सारी कंप्लेंट मिली हैं, PACL के अंगेंस्ट में मिली हैं और साईं कृपा कंपनी के अंगेंस्ट में मिली है। तो अभी सारा कंपनी के जो यहाँ के एरिया मैनेजर हैं वो आए हुए हैं, सारी शिकायतों को हम लेकर एग्जामिन करा रहे हैं, उनका पैसा वापस क्यों नहीं करते। पंजाब यात्रा के समय में ही पंजाब सरकार से उनके सुरक्षा से कीन गए खिलवाड़ के विरोध में ही भाजपा के नेता सिविल लाइन में महात्मा गांधी के प्रतिमा के नियर मौन धरना करके अपन गुस्सा व्यक्त करी ही मैं। मौन धरना में ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष योगेश ताम्रकार शामिल रहे, जो उनके कहीं प्रधानमंत्री के सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ कही गई ही वह घटना महज एक चूक नहीं आए, बल्कि देश विरोधी ताकतन का साथ मिलके बहुत बड़ा षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी रची सी। वह पंजाब सरकार और कांग्रेस पार्टी एक साथ कलंक के गाथा लिखी, जोने खातिर देश उनका कबो माफ न करी। एक साथ है कांग्रेस के चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने आबा है। यही क्रम में पंचायती राज मंत्री रामखिलावन पटेल कहीं के प्रधानमंत्री के सुरक्षा में जो लापरवाही बरती गए वह एक सोची समझी साजिश के हिस्सा आए। भैया बहनी, बुलेटिन के अगली खबर सतना से है, जहां के सिविल लाइन में पुलिस लाइन से आज सतना पुलिस यातायात हेलमेट जागरूकता मोटरसाइकिल के रैली के आयोजन करी। सतना के पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह रैली का हरी झंडी दिखाए के रवाना करी। अपने बताए दी कि यह रैली पुलिस लाइन से हो के अलग अलग रास्तन में ही पुनः वही स्थान पर जाए के समाप्त भय। ये रैली में ही सतना के CSP ट्रैफिक थाना प्रभारी और शहर के थाना प्रभारी सहित पुलिसकर्मी और आमजन शामिल भे। जागरूकता देना जरूरी है कि हेलमेट आपकी सुरक्षा है। बहुत सारे मामलों में जो हमने देखा है कि दुर्घटनाएं होती हैं वो हेड इंजरी के कारण डेथ होती है, और हेड इंजरी का ट्रीटमेंट समय से न मिल पाने के कारण काफ़ी कैजुअलिटीज हुई हैं। तो हमारा सबका दायित्व है कि आम जनता को मोटरसाइकिल चालन के बारे में, मोटरसाइकिलें कैसे सुरक्षित तरीके से चलाई जाए, मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट का उपयोग करें। बुलेटिन की अगली खबर रही रीवा जिला के त्योंथर तहसील से, जहां चाक घाट मध्यांचल बैंक के बैंक प्रबंधक माही गैर जरूरी तरीका से खाता का होल्ड कई के मनमानी करे के आरोप लगावा गए। अपनक बताए दे कि आरोप राम प्रसाद द्विवेदी लगाइन, जो उनके बताइन के उनकर मध्यांचल ग्रामीण बैंक में खाता हवे। अपनक बताए दे कि रमेश प्रसाद द्विवेदी आरोप लगाइन के उनकर जो उन खाता हबे वह मध्यांचल ग्रामीण बैंक में हबे, जहाँ इलाज खातिर चेक से पड़ोस में 87,000 रुपया पैसा उधार लिए रहे, पर अपराधी का ही बैंक पैसा नहीं दे रहे हम। और साथ है चाक घाट बैंक सुहागी बैंक से खाता होल्ड करे के जानकारी उदीन गई है। रमेश प्रसाद द्विवेदी, समस्या ये है कि हमारा जो है तो मध्यांचल ग्रामीण बैंक चाक घाट शाखा चाक घाट में खाता है, वहाँ पर हमारा जो है तो हमने अपने पड़ोसी से कर्ज के रूप में चेक के माध्यम से पैसा लिया, हमारे खाते में जमा किया गया, तो वहाँ जो है तो जब पैसा निकालने हम गए तो बैंक मैनेजर ने बताया कि आपके बैंक खाते में स्वागी के ब्रांच मैनेजर ने होल्ड लगा दिया है, तो आप वहाँ पर जाइए तभी आपका होल्ड हटेगा। तो मैं यहाँ पर आया स्वागी के बैंक में, तो यहाँ पर मैनेजर ने जैसे कुत्ते को खदेड़ दिया जाए इस प्रकार से हमको बोले कि नहीं तुम्हारे बच्चों के नाम से कर दे, जबकि बच्चों का हमारा बंटवारा हो चुका है, बच्चे के नाम से अलग खाता है, अलग ज़मीन उनके नामों से है, उनसे हमको कोई लेन। तो बोलते हैं मैनेजर ने बोला कि आप अपना मोबाइल नंबर, तुम्हारा ऐड है उनके खाते में मोबाइल नंबर ऐड, इस कारण हम पैसा जो होल्ड कर दिए हैं। जहाँ जाना हो चाहे मुख्यमंत्री के पास जाओ, चाहे कोर्ट में जाओ, जहाँ जाना तुमको चले जाओ,
और हम होल्ड नहीं हटाएंगे, जो करना हो करो। सोशल मीडिया में ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जो उनके बांस गांव पंचायत के बतावा जा रहा है। जानकारी यह है कि बांस के रहे वाले अनुराग मिश्रा गाली गलौज कह रहे हम। यह बतावा जा रहा है कि युवक बांस के रहे वाले के जीना हराम करे हम। यह बतावा जा रहा है कि यह युवक बांस के रहे वाले के जीव हराम करे हम। इनके ऊपर कई एक मुकदमा दर्ज हम पर राजनीतिक संरक्षण हो के कारण पुलिस आज तक इनकर गिरफ्तारी नहीं करी निभे, जिनकर खातिर उनका हौसला बुलंद हम। अपना देखिए वीडियो जो निवाही अपना देख सकी थे कि ग्राम पंचायत पूर्व सचिव का भरी जनसभा में ही गाली गलौच और जान से मारे के धमकी दे रहा। साथ ही यह कहा रहा हमा कि जहां जाए कहे तू चले जा, हम टीआई और एसपीयू से नहीं डरता है। लाल चौक प्रभारी सहित एसपीयू से शिकायत करीन पर 3 माह होगा अब तक कोनो मेर के कार्रवाई नहीं कीन गई है, जोने से अपराधी के हौसला बुलंद हमा। एसपी के लगे मा के लगे ले चल बेटा हमका है का कपना का से का तोर बाप है मा चिकटली तोरी मा है 50 फेट मारम थे सब घुमा से तोर मारुची समझे तारा बेल्ट 50 बेल्ट मारा माँ कौनो दादा बोल दे तो हम फिर देख ले है? अपना कुछ भी बोल सकते 10,000 रुपया के ही कहते हैं बहरन से टटिए धोवाऊ गांव के अंदर मनाई धारण काम करे नहीं हो सरपंच है हम थे कौन बैठवा बोल दे गरीबन से 10,000 रुपया लाइक काम करते हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। बघेली में ही समाचार देखे के लाने देखत रहिए मारविंद के बघेली समाचार। साथ है हमारे चैनल का बघेली में देखे खातिर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करी। नमस्कार।